दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। उनके इस काशी में मां गंगा के यशस्वी पुत्र का आप सभी काशीवासियों की ओर से, काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए, देश भर के हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण और उपस्थित काशी के सभी बहनों और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशीवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम
हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज उसके परिणाम हम सबको देखने को हर स्तर पर मिल रहे हैं। और इस अवसर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बहन और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है, एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में, काशी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्र का मैं, उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर प्रदेश काशी और प्रदेश के और देश के जिन अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आप सबके प्रति भी इस अवसर पर, आप प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग कल देख रहे थे कि टेम्परेचर एकदम ऐसा था कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे होगा, लेकिन आज जब प्रकृति और परमात्मा का संयोग होता है तो वह अद्भुत क्षण हम सबको आज काशी में देखने को प्राप्त हो रहा है। कितना सुहावना मौसम काशी का हो चुका है। इस सुहावने मौसम में अन्नदाता किसानों को मिलने वाली सौगात के लिए आप सबको हृदय से बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।